हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। चलिए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस टू सेशंस वी हैव सीन बार्टर सिस्टम, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ मनी, देन फंक्शंस ऑफ मनी, मीनिंग ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी। सो चैप्टर का नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन, जिसमें मनी से जुड़ी हुई सारी बातें हम फर्स्ट टू लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक फोकस करेगा ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज इन्फ्लेशन। ऑन योर स्क्रीन, इन्फ्लेशन मीन्स व्हाट? इन जनरल टर्म्स और इन सिंपल सेंस, इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। अब हमें सबसे पहले समझने की यह जरूरत है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल प्राइस लेवल। सो प्राइस लेवल समझ में आता है कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल प्राइस लेवल? अंडरस्टैंड दैट शेयर बाजार आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। सीएनबीसी चैनल आती है एक, इफ यू रिमेंबर, उसमें सेंसेक्स आता है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स। वो क्या दिखाता है कि इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं, उसके परफॉर्मेंस को लेकर ये एक इंडेक्स रेडी होता है, जिससे हम जज कर सकते हैं कि पूरे देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसा ही कुछ कॉमोडिटीज और सर्विसेज को लेकर भी होता है। इंडिया की जो टॉप कॉमोडिटीज हैं, विच आर ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस, उनकी प्राइसेस को लेकर हम एक इंडेक्स रेडी करते हैं जिसका नाम है जनरल प्राइस इंडेक्स। और इसके लेवल में कंटिन्यूअस बढ़ोतरी आती जाए तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन को हम पॉपुलरली सिंपल टर्म्स में, हिंदी और गुजराती में, महंगाई और मोंगवारी के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, सो इस सिचुएशन के फ्रस्ट्रेशन को फील करने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक सीन। 28 की हो गई है कमो, मारुति 800 मांग कर दहेज में। अरे तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो शादी कैसे होगी इसकी? भिंडी लीजिए। हाँ जी, थैंक यू। पता है तुझे, भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। लूट मची है सारे देश में और उस पर तेरी ऐसी ऐसी चिट्ठी आएंगी कॉलेज से, तो बता हम खाएंगे क्या? माँ पनीर लेंगे। पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। पनीर तो नहीं, नहीं बस रहने देना अभी। क्या सुना आपने? पनीर तो इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा, मतलब पनीर का भाव आसमान छू रहा है। आलू, भिंडी, इन सबके भी भाव की गणतरी हो रही है। जो पहले 5 रुपया 6 रुपया किलो था, वो अब बढ़ के 10-12 रुपया किलो हो गया। ये उस टाइम की बात है जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। ठीक है, थ्री इडियट्स। यस, सो व्हाट इज द फीलिंग, व्हाट इज द इमोशन ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन? कि हर जगह उसका खर्चा बढ़ रहा है, हर जगह भाव बढ़ रहे हैं, और इसीलिए इस सिचुएशन को डील करना हमें आना चाहिए, नॉट ओनली एट इंडिविजुअल लेवल बट ऑल्सो एट द नेशनल लेवल। इसीलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि इन्फ्लेशन में ये चीजें होती है, तो उसके लिए हम मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली रेडी रहे, ऐसा डिस्टर्बेंस हमारी जिंदगी में आना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एपी लर्नर, अभी सीख रहा है वो, लर्नर है, अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। नाउ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते थे? स्केर्सिटी बोलते थे। किसी भी चीज की स्केर्सिटी हो तो उसका भाव क्या होगा? बढ़ेगा, बिकॉज व्हेन डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, द प्राइसेस आर बाउंड टू इंक्रीज। क्योंकि लोग खरीदने वाले ज्यादा है, बेचने वाले कम है, तो बेचने वाले किसको बेचेंगे? जो इसका सही और ज्यादा दाम चुका पाएगा। बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप भी ये समझ लेते हैं कि मेरी डिमांड ज्यादा है तो
तो आप भी भाव खाना स्टार्ट नहीं कर देते। ये गुड्स भी एकदम वैसे ज होते हैं, जैसे ही मालूम पड़ता है कि मैं तो डिमांड में हूं लेकिन मेरा सप्लाई कम है, ये गुड्स ज्यादा भाव खाना शुरू कर देंगे। भाव खाना, भाव बढ़ाना मतलब क्या? इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एसी पिग्गू, ठीक है, पिग और गु अलग अलग नहीं है, एक ही शब्द है, पिगू, सुअर नहीं बोलने का। एसी पिगू, इन्फ्लेशन इज सेट टू अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। अब इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है, समझिए। मॉनेटरी इनकम बढ़ेगी मतलब आपके पास जो पैसा है वो बढ़ेगा। देखो मंकी कितना खुश हो रहा है, कितने सारे पैसे लेके बैठा हुआ है, लेकिन आगे क्या लिखा है? मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। सो व्हाट डू यू मीन बाय रियल इनकम? रियल इनकम मींस द परचेजिंग पावर। पैसा बढ़ने से काम नहीं चलता, परचेजिंग पावर भी बढ़ना चाहिए। लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा? पैसा तो फटाफट बढ़ेगा लेकिन परचेजिंग पावर देखो, है ना, थैली में क्या छुपा हुआ था? गुड्स, दैट इज अ परचेजिंग पावर, और वो थैली में छेद हो गया, गुड्स आर कमिंग आउट, मतलब योर परचेजिंग पावर इज गोइंग डाउन। ऐसा कब होगा? ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑन वन हैंड यू विल बी अर्निंग मोर मनी एंड ऑन द अदर हैंड द परचेजिंग पावर विल ईदर रिमेन द सेम और इट विल गो डाउन। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने तो यही देखा है, इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। लेकिन ऐसा तब नहीं होगा जब मार्केट में प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग फास्टर। नाउ अंडरस्टैंड, 10,000 रुपए की आपकी इनकम है जिसके सामने 1,000 यूनिट्स आप अभी खरीद सकते हैं क्योंकि मार्केट में प्राइस ऑफ कमोडिटीज हाउ मच? लेट अस से रुपीज 10। सो 1,000 × 10 इज 10,000 रुपीज। आपने परचेजिंग पावर को इवेल्युएट किया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कितने यूनिट्स खरीद पा रहे हो? 1,000 यूनिट्स, क्योंकि मार्केट में प्राइस क्या है? 10 रुपीज पर यूनिट। सो 1,000 × 10 इज 10,000। अब इनकम हो जाती है आपकी 20,000 रुपीज। कितनी हो गई इनकम? 10,000 से बढ़ गए 20,000। लेकिन मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए 10 रुपीज से लेकर 40 रुपीज तक। सो अब ये 20,000 रुपए में 40 रुपीज पर यूनिट का अगर प्राइस है तो कितने यूनिट्स खरीद पाओगे? 20,000 डिवाइड बाय 40, दैट इज 500 यूनिट्स ओनली। अब 10,000 डिवाइड बाय 10, 1,000 यूनिट्स वाज योर परचेजिंग पावर। तब मॉनेटरी इनकम कितनी थी? 10,000, और आपका परचेजिंग पावर कितना था? 1,000। अब मॉनेटरी इनकम कितनी हो गई? 10,000 से 20,000, डबल हो गया। मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर एज कंपेयर टू रियल इनकम। अब रियल इनकम कंपेयर करो, 1,000 यूनिट से रिड्यूस होके कितने पे चले गए? 500 यूनिट्स पे चले गए। सो पैसा बढ़ने के बावजूद आपका परचेजिंग पावर नहीं बढ़ पाया। इस सिचुएशन को ही हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। इससे एक जोक याद आ रहा है। एक बार एक हस्बैंड ने अपनी बीवी से पूछा कि कैसा सब ठीक चल रहा है, तो बीवी थोड़ी अपसेट थी, बोले नहीं आज मैं बहुत अपसेट हूं क्योंकि मार्केट में प्राइसेस आर वेरी हाई। मार्केट में जाओ तो हर जगह भाव आसमान छूते दिख रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड। अब वाइफ ने हस्बैंड से पूछा कि ये इन्फ्लेशन होता क्या है, तो हस्बैंड ने बहुत ही क्लेवरली बोला, जब हमारी शादी हुई थी ना तब तुम 36, 24, 36 थी। क्या थे? 36, 24, 36। इसको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। और अब तुम हो चुकी हो 48, 48, 48। तुम हो चुकी हो 48, 48, 48। तुम्हारे पास पहले से सब कुछ ज्यादा है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। अब इसी चीज को आप अपने एग्जाम्पल से रिलेट करके देखो। आपके पास पैसा जरूरत से ज्यादा है लेकिन उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, या वैल्यू है लेकिन वैल्यू बहुत कम है।
इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर जेम केनीस बिलीव्स दैट द रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विथ इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो बात सब एक ही बोल रहे हैं, मॉनिटरी इनकम बढ़नी चाहिए बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये नया आया। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट, समझना। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर गेटिंग 100% वर्क, मतलब इकोनॉमी उस लेवल पे ऑपरेट कर रही है जहां पे आपका कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो काम करना चाहता है वो आइडल बैठा नहीं है, नौरा बैठा नहीं है। सो पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, यस दिस लैंड इज ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, पूरे शहर को हमने ऑप्टिमली यूटिलाइज कर लिया है, जितनी भी जमीन थी हर जगह हम उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेबर, सब लेबरर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, ओके कोई भी आइडल बैठा नहीं है या ऐसी नौबत नहीं आ रही है कि हमें आइडल बैठना पड़ जाए। देन कम्स कैपिटल, मतलब देखो पिगी बैंक था उसको भी हम फोड़ चुके हैं, मतलब कोई भी सेविंग्स अब नहीं बचा है, जो भी पैसा हमारे पास था बिजनेस में लग चुका है उसको भी हम ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं। सो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, अब कौन बचा? यस एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर भी दिन में बहुत ज्यादा काम लेके बैठा हुआ है, उसके पास भी कोई सरप्लस समय नहीं है। अगर हमारी इकोनॉमी इस लेवल पे ऑपरेट कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है और उसके आगे जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो क्या होगा कि सप्लाई बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है। सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ेंगे, और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुल्ली एम्प्लॉयड हैं ही। तो क्या होगा, ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ पाएंगे, ना प्रोडक्शन बढ़ पाएगा, ना सप्लाई बढ़ पाएगा। लेकिन फिर भी सपोज इनकम बढ़ रही है ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस जो हम बाद में देखेंगे, मॉनेटरी इनकम राइजेस बियॉन्ड द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, देन अ सिचुएशन कम्स जहां पर डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई आपका सेम रहेगा। एंड व्हेन डिमांड राइजेस सप्लाई रिमेन्स द सेम, डिमांड विल एक्सीड सप्लाई। जैसे ही डिमांड ने सप्लाई को एक्सीड किया क्या होगा, प्राइस राइजेस, और ये लगातार चलता जाए तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब जो भी डेफिनेशन हमने देखी उसी से बाहर निकलेगी कुछ इन्फ्लेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, इट कैन बी आस्क्ड एज अ 2 मार्क क्वेश्चन। ओके, सबसे पहला कॉन्स्टेंट राइज इन प्राइस लेवल्स जो हम डिस्कस कर चुके। सेकेंड, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्टिव जगह पे प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन है हम ऐसा नहीं बोल सकते। ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मस्ट फेस अ प्राइस राइज। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर ये सेक्टर्स क्या होते हैं, कौन से सेक्टर्स? तो कोई भी कंट्री उठा के देख लो, उसके 3 बच्चे होते हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तीनों सेक्टर्स में लगातार प्राइस राइज देखने को मांगता है, और ऐसा अगर हुआ तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। प्राइस राइज कैन बी कॉल्ड एज इन्फ्लेशन व्हेन सच प्राइस राइज इज प्रिवेलिंग इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ऑल द सेक्टर्स मतलब 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। चलिए आगे देखते हैं। परचेसिंग पावर डिक्रीजेस जो हमने पिछले वाले डेफिनेशन में देख लिया था, है ना, मॉनिटरी इनकम राइजेस फास्टर, परचेसिंग पावर गोज डाउन, थैली में से कमोडिटीज बाहर। ठीक है,
rise in price level after full employment situation is known as inflation. तो full employment भी क्या होता है हमने समझ लिया. Other points. अब इसमें एक नया पॉइंट है, दो मोर और लेस हमने देखे हुए पॉइंट्स हैं, तो जो नया पॉइंट है हम उस पर फोकस करेंगे. पहला, गवर्नमेंट केप्ट कंट्रोल ओवर एंड सप्रेसेस इंक्रीज इन प्राइस लेवल वाया रूल्स लॉ एंड सब्सिडीज. इवन इफ नो प्राइस राइज इट इज कॉल्ड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. ये वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. तो ध्यान से सुनना, सप्रेस्ड मतलब क्या, ठीक है. पहले ये समझते हैं. आपकी स्क्रीन पे देखो ये स्प्रिंग जो है वो दब रही है और अचानक फिर क्या हुआ, उछली. सो जब ये स्प्रिंग दब रहा था उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सप्रेस करना. अब जैसे अभी ये स्प्रिंग सप्रेस हो रहा है वैसे ही गवर्नमेंट कॉमोडिटीज की प्राइसेस को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे. और जब ये प्राइसेस दबे हुए हैं आपको इन्फ्लेशन मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मार्केट में प्राइस राइज नहीं हुआ. लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट तो एफर्ट डाल रही है ना उसको सप्रेस करने में. अब गवर्नमेंट कैसे किसी प्राइस को सप्रेस कर सकता है उस बात को समझो. सब्सिडीज सुना है? यस, रिडक्शन इन टैक्सेस इज नोन एज सब्सिडीज. सो कुछ इंपॉर्टेंट कॉमोडिटीज होंगी जिसपे गवर्नमेंट नया नया सब्सिडी लेके आई है और अनाउंस कर चुकी है कि इस पे या तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे या तो हम टैक्स लगाएंगे लेकिन बहुत कम टैक्स लगाएंगे, जिस कारण से उस प्रोडक्ट का भाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या उसी लेवल पे मेंटेन रहेगा, ठीक है. बिकॉज द गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग स्कीम्स इन रिलेशन टू सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन आ तो रहा है लेकिन इन कॉमोडिटीज में वो इन्फ्लेशन नहीं आना चाहिए, तब गवर्नमेंट ऐसे कुछ स्टेप्स ले सकती है. अगर गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं, ओके, प्राइसेस को कंट्रोल में रखा है, इसका ये मतलब नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये कंट्रोल्स हट जाएंगे स्प्रिंग क्या होगा, उछलेगा. वैसे ही प्राइसेस मार्केट में क्या होंगे, उछलेंगे, प्राइस राइज होगा. सो ऐसे इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, क्योंकि ये ऐसा इन्फ्लेशन है जो अभी दबा हुआ है इसीलिए मार्केट में प्राइस राइज का मालूम नहीं पड़ रहा है. और ये किसने दबाया है, गवर्नमेंट ने दबाया है वाया व्हाट, रूल्स, लॉज. अब ये लॉ, रूल्स, ये सब क्या है, मान लो गवर्नमेंट ने इन कॉमोडिटीज का एमआरपी फिक्स कर दिया. एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और वो ऐसे लेवल पे रखा है कि किसी को कुछ फील नहीं होगा उस प्रोडक्ट को लेकर. जैसे ही लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन हटा, मार्केट में प्राइसेस इस प्रोडक्ट के क्या होंगे, बढ़ जाएंगे. और अगर ये प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो आज नहीं बढ़े, वो पहले से ही बढ़ रहे थे लेकिन पहले गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा हुआ था, दिख अब रहा है, तो ऐसे इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है. चलिए फिर, इफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज नॉट इन्फ्लेशन. जैसे कुछ कॉमोडिटीज हैं, कांदे का भाव बढ़ गया, टमाटर का भाव बढ़ गया, लेकिन थोड़े समय के लिए ही बढ़ा है और कुछ प्रोडक्ट्स में ही बढ़ा है, तो उसको हम इन्फ्लेशन, नको, इट इज नॉट इन्फ्लेशन बिकॉज इट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक कॉमोडिटी ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ दैट कॉमोडिटी और क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्केर्सिटी बाय द एंटरप्रेन्योर्स. किसी की गेम हो सकती है बहुत बड़ी जहां पर कांदा का भाव बढ़ जाए अचानक, वरना अचानक कांदे का भाव बढ़ जाए 100 रुपया किलो हो जाए एंड आफ्टर 1 month और 2 months इट इज अगेन बैक टू 40 रुपीज, 50 रुपीज और 60 रुपीज पर किलोग्राम, देन सच थिंग वॉज मैनिपुलेटेड बाय द सप्लायर्स ऑफ अनियन. सेम गोज विद टोमेटो ऑल्सो. और ये इंडिया में बहुत होता है, एंटरप्रेन्योर्स जानबूझ के आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट करते हैं, तो उस चीज को हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक या दो प्रोडक्ट में ही देखने को मिला है या कुछ सेक्टर्स में ही देखने को मिला है. इट इज नॉट प्रिवेलिंग ओवर द एंटायर नेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्फ्लेशन, ठीक है. क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में हमने देखा था प्राइस राइज शुड बी देयर इन
ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सब जगह प्राइस राइज होना चाहिए, सब जगह प्राइस का बुमा बुम होना चाहिए। एक दो जगह पे होगा तो वो बुम सुनाई नहीं देगी, क्योंकि उसको हम इन्फ्लेशन मानते हैं नहीं है, उस सेक्टर की प्रॉब्लम है, उस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, उसमें कुछ गलत है। ठीक है, चलिए फिर। When some factors of production are unemployed, है ना, अगर मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, थोड़ा बहुत है, देर इज अ राइज इन प्राइस, देन प्रोड्यूसर्स गेट इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर। ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी गेट्स अ बूस्ट एंड फैक्टर्स गेट एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन राइजेस एंड प्राइस फॉल्स। अब इस बात को समझो, पॉइंट नंबर फोर से ये जुड़ा हुआ है कि राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर विच लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बिकॉज जस्ट इमेजिन इफ देर इज नो फुल एम्प्लॉयमेंट, सम फैक्टर्स आर लाइंग अनएम्प्लॉयड, देन व्हाट विल हैपन, मार्केट में थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ेगा। अब प्राइस बढ़ेगा तो उस प्राइस में सबसे पहला इंटरेस्ट किसका होगा, एंटरप्रेन्योर का होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस राइजेस, सप्लाई राइजेस। लास्ट ईयर देखा था हमने पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस राइज सप्लाई राइज। अब सप्लाई बढ़ाने के लिए उसको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। अगर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसने एम्प्लॉय किया तो सप्लाई बढ़ जाएगा और प्राइसेस वापस क्या हो जाएंगे, नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे, मतलब इन्फ्लेशन होने से रहा। तो इन्फ्लेशन बेटा होगा कब, व्हेन द सप्लाई इज लिमिटेड एंड व्हेन द डिमांड राइजेस। अब सप्लाई लिमिटेड कब रहेगा, व्हेन यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर। When will you not be able to produce more? When you don't have surplus factor of production. When do you don't have surplus factor of production? When the factor of production are fully employed. और इसीलिए full employment situation के बाद जो price rise होता है उसी को हम सही मायने में क्या मानते हैं, inflation मानते हैं। What do you call inflation in the true term? Only when it is beyond the level of full employment situation. ठीक है, So, ये भी हमने पहले डेफिनेशन में भी देखा था, पॉइंट नंबर फोर में भी देखा है और पॉइंट सी में भी वापस इसी पॉइंट को बता के रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन पे, ये इन्फ्लेशन होता क्यों है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इन्फ्लेशन। सबसे पहला इंक्रीज इन डिमांड, हाँ, तो इन्फ्लेशन और प्राइस राइज हर उस जगह पे होगा जहां पे स्केर्सिटी होगी। अच्छा, स्केर्सिटी कब होगी, व्हेन द डिमांड इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस। सो ऑन योर स्क्रीन, व्हेन इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड ऑफ द एंटायर नेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन कहां पे होता है बेटा, हर सेक्टर में होता है, इकोनॉमी लेवल पे होता है। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन सप्लाई, मतलब डिमांड इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस, देयर अराइजेस सिचुएशन ऑफ स्केर्सिटी, और स्केर्सिटी मतलब गुड्स क्या करेंगे, ज्यादा भाव खाएंगे, इसीलिए मार्केट में प्राइस बढ़ेगा। अगर इस कारण से प्राइस बढ़ रहा है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलेंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों, क्योंकि डिमांड ज्यादा होने से प्राइसेस बढ़े हैं, सो डिमांड पुल्स द प्राइसेस अप इन द मार्केट, इसीलिए इसको क्या बोला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मेजर reasons फॉर इंक्रीज इन डिमांड आर, अब हमने ये तो समझ लिया कि इंक्रीज इन डिमांड इज रिस्पॉन्सिबल आफ्टर इन्फ्लेशन, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड why द डिमांड इंक्रीजेस। सबसे पहला इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, when individuals earn more income their demand for necessary and luxuries increase, against the increase in demand the supply remains steady, this leads to increase in prices। okay, market mein supply of money badh chuka hai, logo ke paas paisa zarurat se zyada ho gaya hai, jis karan se market mein prices achanak se badh gaye hain। इस कंसेप्ट को गहराई से समझने के लिए हमको कुछ देखना पड़ेगा आपकी स्क्रीन पे। ओके,
सो व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. जो बलून है वो आपकी इकोनॉमी है. क्या है? इकोनॉमी. और बलून के अंदर जो हवा है वो आपका क्या है? सप्लाई ऑफ मनी है. अगर ये सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता जाता है तो इकोनॉमी भी फूल रही है, फूलती जाती है, फलती फूलती है. ठीक है, मतलब मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगे, शेयर बाजार ऊपर जाएगा, सब जगह आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखेगा. लेकिन अगर ये सप्लाई ऑफ मनी एक हद से ज्यादा बढ़ता है तो इकोनॉमी में क्या होता है? बर्स्ट होता है. इकोनॉमी फट जाती है. बलून इज गोइंग टू बर्स्ट. मनी का जो सप्लाई है वो लिमिटेड रहना चाहिए, इतना ही रहना चाहिए जितना एक इकोनॉमी झेल सके. क्योंकि अगर वो नहीं झेल पाया तो मार्केट में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हो जाएंगे एंड मार्केट इज गोइंग टू कोलैप्स. क्योंकि कोई भी इंसान उस सिस्टम में फिट बैठ नहीं पाएगा. और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी मार्केट में प्राइस राइज बहुत ज्यादा होता है ना, तो लोग सड़क पे आंदोलन करने आ जाते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं कि आप लोगों ने प्राइसेस का ध्यान नहीं रखा, गरीब के पास पैसा नहीं है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहे हैं. ऐसी सब बबाले पूरे देश में शुरू हो जाती है. बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू टॉलरेट इन्फ्लेशन बियॉन्ड अ गिवन लेवल. जस्ट द वे द बलून हैड अ कैपेसिटी टू बी फिल्ड अप विथ अनलिमिटेड एयर, वैसे ही इकोनॉमी की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है टू झेलोफाय अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस राइज, दैट इज इन्फ्लेशन. ओके, अब उस स्टेटमेंट को वापस पढ़ते हैं. व्हेन इंडिविजुअल्स अर्न मोर इनकम, सुनना ध्यान से, इंडिविजुअल्स अर्न मोर इनकम देयर डिमांड फॉर नेसेसरी एंड लग्जरीज इंक्रीज. डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई अगर सेम रहा तो सिचुएशन ऑफ स्कैर्सिटी ऑटोमेटिकली अराइजेस. और हम तो जानते ही हैं कि व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई द प्राइस इज गोइंग टू राइज. ओके, चलिए पॉइंट बी पे जाते हैं. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? वो खर्चा जो गवर्नमेंट देश के सिटीजन्स पे करती है. एनी एक्सपेंडिचर दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स पॉकेट ऑन द सिटीजन्स ऑफ द गिवन नेशन इज नोन एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. नेशनल इनकम में हमने देखा था एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से C+I+G. तो ये जी क्या था? नहीं, वो नहीं, ये जी क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था. ठीक है, सो गवर्नमेंट हैज टू कंपल्सरीली मेक एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, कॉलेजेस, डैम्स, ब्रिजेस, रेलवेज, रोडवेज, इन सब पे खर्चा करना पड़ेगा. क्योंकि देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके समावेश के लिए गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दिस एक्सपेंडिचर इज फिक्स्ड, इट हैज टू बी इनकर्ड. देन कम्स बेसिक यूटिलिटी. बेसिक यूटिलिटी लाइक प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ये सब हमने देखा हुआ है चैप्टर 2 में. ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में कि बेसिक यूटिलिटी में क्या क्या आता है. ड्रेनेज सिस्टम है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, बेसिक फैसिलिटीज ऑफ रोड्स इन द विलेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी है. ओके, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक यूटिलिटी पे उनको खर्चा करना पड़ रहा है. ऑल्सो दे हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो बनाने जाएंगे उन्हें लेबरर्स की रिक्वायरमेंट होगी. लेबरर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो लेबरर्स तो बैठे हुए हैं नौरे इंडिया में, तो सरप्लस ऑफ लेबरर्स आते हैं, तो उनके लिए ऑटोमेटिकली क्या जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी. तो ये खर्चे होंगे, खर्चों से नौकरी दी जाएंगी, नौकरी बढ़ेगी, उससे क्या होगा? इनकी इनकम बढ़ेगी. क्योंकि कोई भी लेबरर फ्री में आके काम करने वाला नहीं है. सो द इनकम इज गोइंग टू राइज एंड द मोमेंट इनकम राइजेस, हमारी पुरानी हैबिट क्या है, उस इनकम का खर्चा करते हैं हम. परचेसिंग पावर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़े और सप्लाई सेम रहे तो ऑटोमेटिकली स्कैर्सिटी होगा. स्कैर्सिटी के कारण क्या होगा? यस, प्राइस राइज होगा. और उसी प्राइस राइज को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे. ठीक है, सिंस दिस इज हैपनिंग एट द नेशनल लेवल, इट विल बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल द सेक्टर्स, लीडिंग टू अ राइज इन प्राइस इन ऑल सेक्टर्स
and so it will be considered as inflation. Okay, done. अब ये दोनों ही पॉइंट्स को थोड़ा डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं इन सिंबॉलिक फॉर्म. ठीक है, तो इजी रहेगा. बोलने की क्या कोशिश करी है इन दोनों पॉइंट्स ने, लेट अस सी दैट. पहला इनकम बढ़ेगा, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. ओके, पॉइंट नंबर ए, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. इनकम बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई सेम रहेगा. डिमांड बढ़े, सप्लाई सेम रहे तो क्या होगा, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, दैट इज स्केर्सिटी होगी. और किसी भी चीज की स्केर्सिटी हो तो वो प्रोडक्ट ज्यादा भाव खाना चालू कर देगा, दैट इज द प्राइस इज गोइंग टू राइज. ओके फाइन. उसके बाद इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो समझते हैं. सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, किस पे बढ़ेगा एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक यूटिलिटी, जिससे क्या क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई सेम रहा तो डिमांड इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन सप्लाई, दैट इज गोइंग टू क्रिएट स्केर्सिटी और इसी स्केर्सिटी के कारण प्राइस इज गोइंग टू राइज. ठीक है, अब एक सवाल आएगा, सर सप्लाई अगर चेंज होता तो जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, वी ट्राई टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. ओके, एंड व्हेन वी ट्राई टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वी ऑलवेज अज्यूम दैट अदर थिंग्स रिमेन द सेम. ओके, सो सप्लाई अगर सेम रहता है तो ये होगा, सप्लाई सेम नहीं रहता, सप्लाई भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो प्राइसेस आर गोइंग टू रिमेन नॉर्मल, दैट इज नॉट गोइंग टू लीड टू इन्फ्लेशन. हम क्या पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन किस कारण से हुआ है और वो इस सिचुएशन में हुआ है, तो उस सिचुएशन को ही यहां मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन इज कंटिन्यूड. पॉइंट नंबर सी, ओवर पॉपुलेशन है ना. इन इंडिया द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 2% पर एनम है ना, हर साल 2% से अपना पॉपुलेशन बढ़ जाता है. मतलब अभी अपना पॉपुलेशन मान लो 140 करोड़ के करीब है, उसका 2% मतलब 2.8 करोड़ इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एवरी ईयर, विच इज मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज. सो जितना उनका अभी तक का पॉपुलेशन है उतना हम हर साल बढ़ाते रहते हैं, है ना, हमें बहुत ताकत है, हिम्मत है, स्टेमिना है. चलिए आगे देखते हैं. दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉजेस इंक्रीज इन डिमांड. सीधी सी बात है, लोग बढ़ेंगे तो वो डिमांड भी तो ज्यादा बढ़ाएंगे, और इंडिया में लोगों की कोई कमी नहीं है और लोग सारे आ रहे हैं तो दे आर गोइंग टू डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, तो आगे लिखा हुआ है, दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ व्हाट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एंड व्हेन सप्लाई इज इनसफिशिएंट द प्राइस लेवल इज गोइंग टू राइज. तो घूम फिर के बात आ कहां पे गई कि डिमांड बढ़ा, सप्लाई कम हुआ या सप्लाई उतना ही रहा, सो डिमांड एक्सीड्स सप्लाई एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द प्राइसेस आर गोइंग टू राइज. अंडरस्टूड? सो इन इंडिया वी आर कंट्री फुल ऑफ पीपल, द पॉपुलेशन इज कंटिन्यूअसली राइजिंग, एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट मी आई हैव डेटा ऑल्सो. 1901 में पॉपुलेशन कितना था, 236 मिलियन, मतलब 23.6 करोड़, हम खाली इतने ही थे. और धीरे धीरे करके देख लो 2001 में कितना हो गया, 1027 मिलियन, मतलब 102.7 करोड़. जो 2011 में कितना हुआ, 121 करोड़, और अभी 2020 में कितना है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, 140 करोड़. लगातार पॉपुलेशन बढ़ रहा है जिस कारण से डिमांड इज राइजिंग, एंड बिकॉज द डिमांड इज राइजिंग सप्लाई इज नॉट चेंजिंग, देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑल ओवर द नेशन. इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस एक्सेट्रा राइजेस, द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो राइजेस. दिस इन्फ्लेशन कॉस्ट
ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। ठीक है, हम बात को समझते हैं। कॉस्ट आपकी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है आप अपना सेलिंग प्राइस भी बढ़ाओगे अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो, क्योंकि आप अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। सो एक तरफ अगर मेरा आउटफ्लो बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ मेरा इनफ्लो भी बढ़ाना पड़ेगा अगर मुझे प्रॉफिट उसी लेवल पे मेंटेन रखना है तो इस सिचुएशन को हम एक टेबल से समझेंगे और फिर हम उस बात पे आएंगे कि इसको हमने ऐसा नाम क्यों दिया है। ओके, चलिए पर्टिकुलर्स, सिचुएशन वन एंड सिचुएशन टू। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हमने क्या दिखाया, हमारा इंटरेस्ट का बात, दैट इज सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो सिचुएशन वन में 100 है। ओके, दूसरा हमने क्या दिखाया, प्रॉफिट। ओके, जो सिचुएशन वन में कितना है, 20। अब आप एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट देके रखा है और मुझे कॉस्ट तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट विल गिव मी द कॉस्ट, सो 100 माइनस 20 विल गिव मी 80 रुपीस। ओके, अब ये 80 रुपीस जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट में क्या क्या आता है हम वो देखने जा रहे हैं। रॉ मटेरियल इज 20, लेबर इज 30, इलेक्ट्रिसिटी इज 20, एडवर्टीजमेंट इज 10। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस इज 100, प्रॉफिट इज 20, टोटल कॉस्ट इज 80, रॉ मटेरियल 20, लेबर 30, इलेक्ट्रिसिटी 20, एडवर्टीजमेंट 10। यही चीज सिचुएशन टू में देखते हैं। ओके, तो वहां पर क्या हुआ, सेलिंग प्राइस इज 120, प्रॉफिट मुझे सेम रखना है सपोज 20, और टोटल कॉस्ट कितना आ गया 100। ओके, अब ये कॉस्ट क्यों बढ़ा, क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा 5 रुपए से बढ़ा, 20 से हो गया 25, लेबर का खर्चा बढ़ा 30 से हो गया वो 35, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ा 20 से हो गया वो 25, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ा 10 से हो गया वो 15। तो अब जो पहले 80 रुपीज का कॉस्ट था वो कैसे मिला था, 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, दैट वॉज 80 रुपीज। अब सिचुएशन टू में इस कॉस्ट का अगर आप टोटल निकालेंगे 25, 35, 25, 15, तो वो कितना आएगा, 100 आएगा। अब बात को समझना, 80 रुपीज का जब कॉस्ट था और 20 का प्रॉफिट मैंने जोड़ा था तो सेलिंग प्राइस कितना आया था, 100। अब कॉस्ट कितना आ रहा है, 100, और मैंने प्रॉफिट मार्जिन 20 ही रखा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया। कॉस्ट 80, प्रॉफिट 20, सो सेलिंग प्राइस 100। ओके, ये सिचुएशन वन। सिचुएशन टू, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, तो सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी 120। ओके, विच मींस कॉस्ट बढ़ा तो सेलिंग प्राइस बढ़ा। अब मूवमेंट देखना, कॉस्ट बढ़ा, ये मूवमेंट क्या है, एम आई पुलिंग और पुशिंग, पुशिंग। कॉस्ट ने प्राइस को क्या किया, पुश किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट इज द नेम गिवन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, जिस कारण से आपका सप्लाई जो था वो भी शॉक में आ गया है, क्योंकि पहले सप्लाई 80 रुपीज पे हुआ करता था और अब वही सप्लाई आप कर पा रहे हो 100 रुपीज में। 20 रुपए का सप्लाई को क्या लगा, शॉक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज नोन एज सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन ऑल्सो। सप्लाई को तो शॉक लगेगा ही, क्योंकि जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से तुम प्रोडक्शन कर रहे थे उसी प्रोडक्शन से सप्लाई हो रहा था, यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने तुमसे ज्यादा पैसा मांगना चालू कर दिया है, तो यू आर अंडर शॉक, सप्लाई इज अंडर शॉक, क्योंकि जिन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट था अब वही फैक्टर्स बड़ा बड़ा मुंह फाड़ रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अनदर नेम ऑफ दिस इज ऑल्सो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड रीजन। ओके, पहला क्या था, इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा हमने क्या देखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड इज अदर रीजंस, क्योंकि जो दो रीजन में फिट नहीं बैठता उसको हम अदर्स में डाल देते हैं, जैसे अकाउंट्स में
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, फिर भी कुछ एक्सपेंस बच जाते थे तो कहाँ डालते थे, अदर एक्सपेंसेस में। वैसे ही यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द थर्ड इज अदर रीजंस, छुटपुट रीजंस है, ठीक है, कुछ रिपीटेशन भी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहला, टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट विच लीड्स टू राइज इन इन्फ्लेशन, ठीक है, राइज इन प्राइसेस विच इज नोन एज इन्फ्लेशन। सो टैक्स का पॉलिसी आपका ऐसा है जहां पे टैक्सेस आर राइजिंग, टैक्सेस आर एप्लीकेबल ऑन प्रोडक्ट्स, ओके, जैसे कि जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये टैक्स का रेट बढ़ेगा तो कॉमोडिटी तो महंगी होगी ना, इसका एक डेमो आपकी स्क्रीन पे देखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिचुएशन वन में 80 रुपीज है, ओके, सिचुएशन टू में भी कॉस्ट को हमने सेम रखा है क्योंकि मुद्दा यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होना नहीं है, वो पिछले पॉइंट में था। प्रॉफिट भी हमने सेम रखा हुआ है 20 एंड 20, तो सेलिंग प्राइस भी सेम ही आएगी 100 एंड 100। अब मुद्दा यहां पे किसका है, टैक्स का। तो जीएसटी का जो रेट है सिचुएशन वन में, गौर से देखो, जीएसटी ऊपर कितना मेंशन किया है, 18%, तो 100 का 18% कितना होगा, 18 होगा, तो आपकी मार्केट प्राइस क्या होगी, 118 होगी, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ओके। सिचुएशन वन को एक बार फिर से देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80, प्रॉफिट उसमें जुड़ा 20, तो सेलिंग प्राइस क्या मिला, 100, क्योंकि कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ता है तो सेलिंग प्राइस मिलता है, लेकिन उसमें क्या ऐड होगा, जीएसटी विच वॉज 18%, सो द मार्केट प्राइस इज गोइंग टू बी 118। सेम थिंग अंडर सिचुएशन टू, पहले तीन में कोई चेंज नहीं है, खाली चेंज किसमें आया, जीएसटी में आया, जो कितना परसेंटेज बोल के रखा हुआ है, 28%, तो 100 का 28% कितना होगा, 28, नाउ द मार्केट प्राइस इज गोइंग टू बी 128, सो व्हाट डू यू कंक्लूड, जीएसटी 10% से बढ़ा तो आपका मार्केट प्राइस भी 118 से 128 हो गया, ओके। जीएसटी के रेट ने किसको इन्फ्लुएंस किया, मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस किया, सो द इंक्रीज इन टैक्सेस विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है, और इंक्रीज इन प्राइस को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, 70% ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड वाया इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल विल लीड टू एन इंक्रीज इन रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विच कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, है ना। अब ये चेन को समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो ये बता दूं, क्रूड ऑयल हम कहां से खरीदते हैं, ओपेक कंट्रीज से, ठीक है, यूएसए के पास भी बहुत सारा क्रूड ऑयल है, लेकिन अभी हमारी वो डील उस हद तक स्ट्राइक नहीं हुई है कि हम कंप्लीटली यूएसए का क्रूड ऑयल रिप्लेस कर दें विद क्रूड ऑयल प्रोवाइडेड बाय ओपेक कंट्रीज, ओके। ओपेक कंट्रीज, ओपेक, ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बराबर, पूरी दुनिया को क्या बेचता है, क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल का भाव अगर बढ़ेगा तो पेट्रोल और डीजल के भाव भी बढ़ेंगे, और आप तो जानते हैं हर व्हीकल को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए, सीएनजी भी आप बोल सकते हो, ठीक है, चाहिए। इनके प्राइसेस में उछाल देखने को मिलेगा, द मोमेंट द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल राइजेस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू राइज, और बड़े बड़े ट्रक में सामान भर भर के आता है, सो ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू आर कंज्यूमिंग कम थ्रू प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, दीज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज व्हीकल्स यूज पेट्रोल एंड डीजल, एंड द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विल इंक्रीज द कॉस्ट, जिस कारण से सीधा इंपैक्ट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे आएगा, उसके प्राइसेस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चेन एक बार फिर से देखते हैं, मार्केट में क्या बढ़ा, ओपेक कंट्रीज ने क्रूड ऑयल का भाव बढ़ाया, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा इसीलिए पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ा, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा जो डलता किसमें है, ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर्स में, ये कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, सो ऑटोमेटिकली द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल राइज
entrepreneur is not going to sacrifice his profit, so automatically the selling price is also going to rise. An increase in price is known as inflation. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Scarcity. When there is scarcity of raw material, machines, etc., it leads to increase in price of goods and services. तो हमको तो day one से ही मालूम है, किसी भी चीज का scarcity होगा उसका भाव बढ़ेगा. अब यहाँ पर scarcity goods and services की नहीं बोली, scarcity किसकी बोली? Raw material की बोली, क्योंकि raw material से ही क्या बनता है? Final goods and services. Machines ही इस्तेमाल होते हैं इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स. सो वॉट एवर आई एम यूजिंग टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड्स, उसका भाव अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर गोइंग टू राइज, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन्फ्लेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. सो स्केर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्केर्सिटी ऑफ मशीन्स leads to increase in cost, and as a result of that the selling price also is going to rise in the market. Such a rise in price is known as inflation, we know. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Causes of inflation answer तो हो चुका, अब इसको हमें learn कैसे करना है, let us see that. तो एक dialogue है, I was posing for a selfie, suddenly cops came, और बोले, और हम ए यू आर नहीं लिखेंगे, इंग्लिश का और लिखेंगे, और बोले सिट इनसाइड योर कार. ठीक है, आई वॉज पोजिंग फॉर अ सेल्फी, सडनली कॉप्स केम और बोले सिट इनसाइड योर कार. ठीक है, ये कब हुआ? जब मार्केट में क्या चल रहा था? इन्फ्लेशन. ओके, उसके कॉजेज में हमने ये देखा. आई वॉज पोजिंग फॉर अ सेल्फी, सडनली कॉप्स केम और बोले सिट इनसाइड योर कार. थोड़ा पिक्चरिस्टिक फॉर्म में इसको देखते हैं. आई वॉज पोजिंग फॉर अ सेल्फी, सडनली कॉप्स केम और बोले सिट इनसाइड योर कार. ठीक है, अब इसमें हमको याद कितना करना है, जो रेड में लिखा है वो आई पोज कॉप और सिट. सो आई फॉर इंक्रीज इन डिमांड, उसके सब पॉइंट्स हैं पी ओ एस, पी फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर, ओ फॉर ओवर पॉपुलेशन, एस फॉर सप्लाई ऑफ मनी. अब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो और कुछ नहीं बल्कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, हमने उसको इस स्टोरी में फिट करने के लिए थोड़ा मैनिपुलेट किया है. चल सकता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओनली, इट्स अ वेल नोन फैक्ट. उसके बाद सीओपी, तो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ओआर मतलब अदर रीजंस, अदर रीजंस में एस आई एन टी, एस फॉर स्केर्सिटी, आई फॉर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, एंड टी फॉर टैक्सेशन पॉलिसी. ठीक है, अंडरस्टूड. चलिए एक बार फिर से देखते हैं. सबसे पहला क्या था? कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन. चलो बोलो, आई वॉज पोजिंग फॉर अ सेल्फी, सडनली कॉप्स केम और बोले सिट इनसाइड योर कार. I was posing for a selfie, suddenly cops came और बोले sit inside your car. I was posing for a selfie, suddenly cops came और बोले sit inside your car. I increase in demand, P public expenditure, O overpopulation, S supply of money, COP cost of production, OR other reasons, S scarcity, I increase in price of imports, and T taxation policy. ठीक है, तो ऐसे करके हमारा आंसर भी लर्न हो गया. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और ये चैप्टर भी. इसको लेकर अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं. व्हाट्सएप अगर आता है तो मैं 24 आवर्स के अंदर आपका वो डाउट सॉल्व कर दूंगा. तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.